हेलो एवरीवन, तो ये कंटिन्यूड वीडियो है जो हमने कमरा सफाई किया था। आपने देखी होगी हमारी पुरानी वीडियो, अगर नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हमने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि जो बेड है हमने वो खिड़की के पास लगाया है, और पहले जो बेड था वो यहाँ सामने था जिसकी वजह से टीवी उसके सामने अपोजिट लगा हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि बेड हमने विंडो के साथ लगा दिया है तो अब टीवी यहाँ पे आएगा। तो टीवी यहाँ लगाने के लिए टीवी को हमने पुरानी वाली जगह से निकाल दिया है, और सोनू अभी उसका जो माउंट है वो निकाल रहे हैं। हमारे पास जो वो ड्रिल नहीं है इसको अनस्क्रू करने के लिए, तो जुगाड़ यूज कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँ ये जो प्लायर है, जो भी बोलते हैं इसे रेंच बोलते हैं इसे, तो रेंच के थ्रू मैं इसको अनस्क्रू करने की ट्राई कर रहा हूँ। हो रहा है क्या? हाँ, हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये यहाँ से माउंट निकलेगा और फिर जो ये सामने वॉल है यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं कि कैसा रहता है ये सेटअप। तो जब तक हम सेटअप करते हैं आप बने रहिए, और फिर एंड में आपको दिखाते हैं कि कैसा लगेगा। ये ड्राई वॉल होती है, इसके पीछे लकड़ी स्टड जमा लाइक एक फ्रेमिंग होती है स्टड्स की। तो जब हम ड्रिल करते हैं, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो वो स्टड के अंदर होल जाना चाहिए, जो स्क्रू होते हैं उसके अंदर जाने, अदरवाइज ये वेट है तो ड्राई वॉल नीचे उतर जाएगी तो ये डैमेज हो सकता है। उसको फाइंड आउट कैसे करें? ये फाइंडर होता है, स्टड फाइंडर। इसको आप ऐसे रखिए और इसे रन करते जाइए धीरे 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 धीरे। जहाँ पे ड्राई वॉल वो स्टड आएगा वहाँ पे ये ऐसे बच जाएगा, मतलब इसके आसपास। फिर आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए और इसके आसपास। तो जहाँ ये ऐसे बचता है इसका मतलब स्टड उसके पीछे है। तो मैंने ये मार्क बना के रखे हैं, जस्ट डबल चेक करना था, मेजरमेंट ले लिया। इसे आप लेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है लेवलर। हमको एटीएम में जब हम थे हमें लगता था कि ये निशान लगा दिया, इसके सीधे निशान लगा दिया। लेकिन जब हम चीज़ कुछ लगाते तो हमको पता चलता है लेवल बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि हम देखने से तो विजन इतना क्लैरिटी नहीं होती है विजन से। तो हमेशा स्टड फाइंडर लेवलर यूज करना चाहिए। जैसे मैंने ये लगाया है, अब ये 1 2 3 4, अब इसको डबल चेक कर लेते हैं कि इसका लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जैसे मैंने यहाँ लगाया तो ये आप देखिए ये एकदम बीच में आ रहा है, इसका मतलब लेवल ठीक है ना। जब होल करेंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले को आप ट्राई कीजिए तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये लेवल में आ रहा है, इसका मतलब हमारा लेवल ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं। तो ये लेवल से मेजर कर लिया और लेवल कर लिया। लेवल करने से जब टीवी लगेगा इस पे तो वो एकदम लेवल में लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कहीं पर कम गैप है कहीं पर ज्यादा गैप है, तो बड़ा भद्दा दिखता है। अब जब इसे ड्रिल कर रहे हैं तो भी मेक श्योर करना चाहिए कि जी कभी कभी स्टड फाइंडर भी गलत अपना वो गैस लगा सकता है। तो बहुत पतला सा मैंने ये जो लिया है उसको पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, ताकि हल्का सा वो उसमें होल करेगा और पता चलेगा इसके कितना इजीली ये चीज़ें इसके अंदर थ्रू हो रही है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं अपना स्टड फाइंडर वो सही से काम किया नहीं है, और जो हमारे जो मार्क लगाए वो सही भी है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ तक किया, अब यहाँ पे वो अटक जा रहा है। ड्राई वॉल की थिकनेस इतनी होती है 1 mm शायद, कुछ तो पता नहीं कुछ रहती, उतना अंदर चला गया। अब उसके आगे जो स्टड आ रहा है, स्टड आ रहा है मतलब थोड़ा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसे पता चल रहा है कि जी जो मार्क लगा है वो सही लगा है। तो 1 2 3 4 मार्क लग गए हैं, मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है, लेवल बिल्कुल ठीक है।
अब धीरे धीरे से बड़ा होल करके इसके इसे अपन लगाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। कोई भी हैवी चीज को अगर हम उसको लगाने की ट्राई करते हैं तो सीधा अगर स्क्रू लगाएंगे तो हो सकता है वो डैमेज करे या फिर नुकसान हो जाए, फिर से उसको अनस्क्रू करें या फिर लगाने के टाइम पे। तो अच्छी ग्रिप के लिए हमेशा ये चीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये चला जाएगा अंदर, अंदर जाने के बाद ये इसके अंदर जाएगा, ये स्क्रू अंदर जाएगा, तो इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है और ताकि दीवार जो है वॉल वगैरह डैमेज भी नहीं होती है। चलो वैसे भी दुनिया मजाक उड़ाई दे रही है। सो टीवी लग गया था बट थोड़ा सा टेढ़ा लगा था, एक तरह से थोड़ा ऊपर एक तरह से थोड़ा नीचे, क्योंकि जो ये वॉल है वो वॉल हमने बाद में मेजर करी तो थोड़ी सी जो वॉल है वो टेढ़ी है एक्चुअली में। तो हमने क्या किया, दोबारा से टीवी को निकाला और दोबारा से थोड़ा सा अंदाजे से मेजरमेंट किए और फिर दोबारा से टीवी को हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा से ट्राई करते हैं टीवी को हैंग करने की। ऑलमोस्ट माउंट का काम हो गया है और ये इस बार बिल्कुल परफेक्टली टीवी सेटअप हो गया है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, हर जगह से जो मेजरमेंट है इक्वल है और एकदम परफेक्ट आया है। उस वॉल के लिए ही ये टीवी था बना था ऐसा लग रहा है, पूरी वॉल मोस्टली कवर हो गई है। तो ये 75 इंच का टीवी है जो कि ऑलमोस्ट पूरी वॉल पर आ गया है। तो बाकी का जो कमरा सेटअप करना है उसका टाइम अभी नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि टीवी को लगाते लगाते ही 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आगे का कमरा सेटअप करने का टाइम पूरा प्रॉपरली कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा उसका वीडियो ज़रूर निकालेंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि कमरा का जो नया सेटअप है कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।